हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आजमगढ़ सिटी का नज़ारा दिखाने वाला हूं। जैसा कि ये आजमगढ़ का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से अभी देखिए आजमगढ़ शुरू होता है और यहां से अभी समझ लीजिए मैं आपको एक हिस्सा दिखा रहा हूं। इसका आजमगढ़ का कई हिस्सा है लेकिन ये स्टार्टिंग हिस्सा माना जाता है। अगर बनारस साइड से अगर आप आएँगे तो ये आजमगढ़ का स्टार्टिंग हिस्सा है। अभी जो शोरूम वगैरह जो आजमगढ़ का है, मतलब गाड़ी फोर व्हीलर वगैरह का, वो पीछे ही रह गया है। लेकिन अगर मेन सिटी की बात करें तो अब चालू होगा यहाँ से। और आजमगढ़ सिटी का एक वीडियो हमारे पास और चैनल पे मिल जाएगा। मेन सिटी के अंदर का एकदम चौक मार्केट का है, जो आजमगढ़ का माना जाता है, वहाँ का वीडियो है ये। तो देखिए अभी रेलवे स्टेशन अभी बीच में भी पड़ेगा और यहाँ से मैं अभी आगे तक का नज़ारा दिखाऊँगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ का रोड आप देख ही सकते हैं कितना चौड़ा चौड़ा है और यहाँ ग्रीनरी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अभी देखिए कार राइड के माध्यम से आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। आप बस हमारे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये वाला रास्ता जो है, यही आपका, ये यहाँ से भी टर्निंग लेगा, फिर अभी यहाँ से आगे चलेंगे। अभी एक देखिए पुल पड़ेगा, ये देखिए पुल आ रहा है और ये स्टार्टिंग में ही आपको ये पुल मिलेगा। और यहाँ से भी आपको स्कूल वगैरह सब कुछ दिखेगा क्योंकि आजमगढ़ काफ़ी बड़ा है, छोटा मत समझिएगा। आजमगढ़ में हर एक सुविधा है, बाकी यहाँ पर बस एक मॉल की कमी है, बाकी और सब चीज़ है, हर ब्रांड का शोरूम वगैरह सब चीज़ है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसकी कमी है, वो भी पूरी हो जाएंगी। बाकी टूरिस्ट प्लेस की अगर बात करें तो टूरिस्ट प्लेस में भी दो चार टूरिस्ट प्लेस है। बाकी कोई इस टूरिस्ट प्लेस के अगर मामले में अगर देखेंगे तो थोड़ा पीछे है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर उतना नहीं है। थोड़ा बहुत मंदिर वगैरह, सिटी वगैरह आप घूम सकते हैं, बाकी उतना यहाँ और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की आबादी भी काफ़ी है, ऐसा नहीं कि कम है। और यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह, रोडवेज बस स्टैंड सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और देखिए ये ब्रिज से अभी चल रहे हैं, अब नीचे उतरेंगे। और ये ब्रिज जो बना है ये रेलवे के लिए बना है, इसके नीचे रेलवे का ट्रैक गया है इसलिए इसको बनाया गया है। नहीं तो पहले रेलवे ट्रैक से अगर नीचे से अगर जाना होता था तो काफ़ी जाम लग जाता था, इसलिए ये रेलवे ब्रिज बनाया गया। और देखिए यहाँ से जैसे ही उतरेंगे ये आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन आ जाएगा। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी नहीं है, काफ़ी नॉर्मल ही है क्योंकि यहाँ मेन रूट पे आजमगढ़ नहीं पड़ता है, मेन रूट पे जौनपुर वाला रूट पड़ता है, इसलिए सारी ट्रेनें उधर से जाती हैं, इधर से नहीं होकर जाती हैं। और यहाँ से भी कई जगह के लिए ट्रेन है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं है कई जगह के लिए। बाकी चलिए आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। और देखिए ब्रिज से जैसे ही नीचे उतरेंगे थोड़ा सा आगे तिराहा टाइप का आएगा और तिराहे से जैसे ही टर्निंग लेंगे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन है। अभी चलिए आपको मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आजमगढ़ का स्टार्टिंग हिस्सा है, ये मत सोचिए आजमगढ़ इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। आजमगढ़ तो बहुत ही बड़ा है, पूरा दिखाना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए कम से कम 8-10 वीडियो लग जाएगा तभी जाकर ख़त्म होगा आजमगढ़। और चलिए यहाँ से अभी आगे चलते हैं। और आजमगढ़ रोडवेज बस स्टैंड का भी वीडियो हमारे चैनल पर है और आजमगढ़ के दो मतलब वीडियो हमारे चैनल पे सिटी के हैं, आप देख सकते हैं। आजमगढ़ भी मैंने सोचा है घूमकर वीडियो यहाँ का ब्लॉग बना दें क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं आगे का। और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी लगता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखा कि चौराहा बहुत बड़ा बड़ा है यहाँ पर है, चौराहे की कमी नहीं है, हर जगह यहाँ पे आपको चौराहा मिलेगा बड़ा बड़ा। बाकी बस ये समझ लीजिए कि बनारस इतना सुविधा नहीं है लेकिन बनारस से कम भी नहीं है, यहाँ पे हर एक सुविधा है एक तरीके से मानिए तो। यही देखिए ये तिराहा है, यहीं से रेलवे स्टेशन का रास्ता कट जाता है, यही अंदर गया है, ये जो देख रहे हैं आप यहीं से अंदर कट जाएगा। बाकी चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्योंकि आपको सिटी का नज़ारा दिखाना है तो इसलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे ब्रेकर भी देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेकर दिया गया है कि किसी को दिक्कत भी ना हो, अगर स्पीड में भी है तो वो बच जाए, गिरे ना। बहुत ही लंबा लंबा और थोड़ा ढाल टाइप का ब्रेकर बनाया गया है। और देखिए यहाँ डिवाइडर हर जगह मिलेगा, बिना डिवाइडर के यहाँ कोई रोड नहीं है, बस एक ही जो मेन चौक का मार्केट है उसी में डिवाइडर नहीं है, बाकी आपको हर जगह डिवाइडर मिलेगा आजमगढ़ में। और यहाँ पे एक एक ब्रांड के दो दो तीन तीन शोरूम है तो आप समझ सकते हैं। और देखिए ये हीरो का शोरूम है यहाँ पर, यहाँ पे आपको हीरो का शोरूम दिखेगा। और ये देखिए टू व्हीलर का जितना शोरूम है ये अब शुरू हो जाता है यहाँ से, देखिए होंडा का शोरूम है, फिर यहीं पे सब शोरूम आपको मिलेगा, रॉयल इनफील्ड का भी शोरूम आपको मिलेगा,
और फोर व्हीलर का जो शोरूम है वो हमारे वीडियो से भी मतलब पहले, मतलब जो स्टार्टिंग सिटी था उससे भी पहले आपको सब कुछ है, लेकिन उधर थोड़ा खाली था इसलिए उधर का मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी खाली था उधर। मैंने सोचा यहाँ से शुरुआत करते हैं और चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये वाला भी चौराहा आ गया थोड़ा। देखिए हमको नाम नहीं पता है जगह का, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ इसलिए हम मुझे नाम क्लियर नहीं पता ये सब चौराहे और जगह का। बाकी अगर पता होता तो मैं ज़रूर बताता, क्योंकि मैं खुद नया हूँ आजमगढ़ में। और देखिए यहाँ से चलते हैं आप सीधे, और आप देख ही सकते हैं कि कितना चौड़ा सड़क है, और ऐसे ही पूरे आजमगढ़ में चौड़ा सड़क है, ऐसा नहीं है कि कहीं पतला सड़क है। पतला सड़क बस मेन मार्केट में जो पुराना आजमगढ़ है। और चलिए यहाँ से चलते हैं और आगे। और आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे शोरूम वगैरह बहुत सारा आपको मिलेगा और हर एक चीज़ है यहाँ पर। रेस्टोरेंट वगैरह भी अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं। और देखिए यहाँ से अब लेंगे अब टर्निंग, यहीं पे देखिए कार वाला जितना भी सिस्टम होता है यहीं पर होता है। अब देखिए मेन सिटी जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर रियलिटी अगर माने तो यहाँ से होता है, यहाँ से दो रास्ते गए हैं, इधर से भी मार्केट में घुस सकते हैं, इधर से भी तिराहा टाइप का है, लेकिन चलिए इधर चलते हैं। और देखिए फोर व्हीलर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है तो आपको यहीं पर होगा, और यहाँ पे एक लाइन से आपको फोर व्हीलर का जो एसोसरीज वगैरह है सब कुछ शोरूम यहाँ पे मिलेगा। ये सामने देख रहे हैं और आगे चल रहे हैं, और देखिए एक लाइन से है। अभी सुबह का समय है इसलिए बहुत सारी दुकानें बंद हैं, नहीं तो आपको खुली हुई मिलती। और देखिए कितना अच्छा रोड है पहले यहाँ का, आप खुद देखिए कितना चौड़ा रोड है। हॉस्पिटल भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हैं, सरकारी से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे आपको बड़े बड़े मिलेंगे। होटल वगैरह भी यहाँ पे बड़े बड़े हैं, मतलब सारा सुविधा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बस एक मॉल चाहिए था यहाँ पे, मैंने सिटी पूरा घूमा, अभी मॉल कोई वैसा नहीं है जैसा होता है मॉल। बाकी शोरूम वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। थिएटर भी है, एक थिएटर और ओपन होने वाला है सेनमैक्स थिएटर, वो भी जल्द से जल्द चालू होगा। और देखिए ये रोड आपको चला जाएगा, और देखिए एक चौराहा आने वाला है नरौली चौराहा, बस इसी चौराहे का बस मैं नाम जानता हूँ, बहुत ही फेमस चौराहा है वो, बस अब आगे आएगा ही। और ये सीधे अगर रोड से चले जाएंगे तो वो गोरखपुर तक चला जाएगा, और बाकी हम लोगों को यहाँ से टर्निंग लेना है, यही है नरौली चौराहा। नरौली चौराहा बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है आजमगढ़ का, देखिए यही है। अब इसी में हम लोग टर्निंग लेके आजमगढ़ सिटी में एंट्री करेंगे। आजमगढ़ सिटी में जाने के लिए आपको यहीं से टर्निंग लेना होगा, और चलिए यहाँ से घुसते हैं। इसके बाद नदी आएगा, नदी का भी नाम हमें क्लियर पता नहीं है क्योंकि आजमगढ़ में मैं खुद एक नया हूँ। और चलिए यहाँ से अब पुल क्रॉस करेंगे, यहाँ का ये ऐसा ऐसा पुल, लगभग तीन चार पुल यहाँ पे बना हुआ है। अगर शहर के अगर चारों तरफ से अगर जाना चाहेंगे तो कई जगह पे इस पुल को बनाया गया है, एक ही जगह, ऐसा नहीं है कि पुल है। चलिए यहाँ पुल पे स्टार्टिंग में चढ़ते हैं। और आजमगढ़ ये मेन सिटी मत मानिएगा, मेन सिटी अंदर है, बस ये तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा था कि अगर आप आजमगढ़ में आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए ये पुल है आजमगढ़ का, बहुत ही फेमस पुल है, और इसी पुल से ही बहुत रोज़ाना हजारों गाड़ियां आती जाती हैं, क्योंकि बहुत ही मेन पुल माना जाता है आजमगढ़ का ये। और इसी के बगल में प्राइवेट बस स्टैंड आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप पुल से उतरेंगे आपको प्राइवेट बस स्टैंड आपको देखने को मिलेगा, और प्राइवेट बसें हर जगह जाती हैं आपको पता होना चाहिए। और सीधे चले जाएंगे तब भी आपको मेन सिटी देखने को मिलेगा, और बगल से भी जाएंगे तब भी मिलेगा। चारों तरफ से आजमगढ़ में यही तो है एक चीज़, चारों तरफ से रास्ता गया है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप चार जगह चार रोड से जा सकते हैं, मतलब अलग अलग रोड से, कोई एक रोड नहीं है। देखिए सीधे भी जा सकते हैं, इसके बगल से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को बगल से जाना है, अभी बगल से चले जाएंगे और आपको आगे दिखाएंगे। चलिए यहीं से अब टर्निंग लेंगे हम, और देखिए यही प्राइवेट बस स्टैंड है, यहीं से आपको सारी बसें मिलेंगी, आपको दिख रहा होगा। और इसी के आगे जब जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रोडवेज बस स्टैंड है, मतलब सरकारी बस स्टैंड है। और देखिए आगे आपको दिखा रहे हैं, और देखिए यहीं से जो मेन सिटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आगे से ही होता है,
वो आपको सिविल लाइन एरिया मिलेगा। ये आगे सिविल लाइन एरिया ही है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आजमगढ़ का और भी वीडियो एक दो आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।